नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड पीजीटी इतिहास की टेस्ट सीरीज देने वाला हूं। झारखंड पीजीटी इतिहास की टेस्ट सीरीज आज से चलेगी पीजीटी हिस्ट्री की। और मैं आपको इसके पहले बता दूं, मैंने एक बुक आप लोगों को दिखाया था, प्रभात पब्लिकेशन का बुक था। तो प्रभात पब्लिकेशन की यह जो बुक है ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, टेस्ट सीरीज है। और इस बुक को मैं आप लोग को दिखाया हुआ था। तो यह सारी टेस्ट सीरीज जो रहेगी इसी क्वेश्चन से रहेंगे। ये झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का है, ठीक है, और पूरे नए पैटर्न पर आधारित यह पूरी टेस्ट सीरीज है झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट वन है और 150 प्रश्न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 150 प्रश्नों का यह पूरा का पूरा पेपर होगा। तो 50-50 क्वेश्चन की करके ही हमारी सीरीज आएगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 50-50 क्वेश्चन करके ही सीरीज आएगी, ठीक है। ये झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए है। और जिनको भी झारखंड पीजीटी इतिहास की पूरी तैयारी करनी है, वह लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ठीक है, 8318397276। इसमें आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटराइज नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ 2800 क्वेश्चन का सारगर्भित टेस्ट श्रृंखला मिलेगा, जो आपका झारखंड पीजीटी के लिए रहेगा, ठीक है। तो 1499 रुपये का कोर्स है। जिनको भी ज्वाइन करना है झारखंड पीजीटी के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है। आइए, यह जो प्रभात पब्लिकेशन की बुक है इसकी टेस्ट सीरीज देख लेते हैं। टेस्ट सीरीज से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, इसलिए टेस्ट सीरीज आपको देखना चाहिए थोड़ा बहुत अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए, ठीक है। यह तैयारी नहीं होती है विशेष रूप से टेस्ट सीरीज की, से बस आप इसका आकलन कर सकते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या एक, श्रुति साहित्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, श्रुति शामिल में ब्राह्मण भी शामिल होते हैं, आर्य शामिल होते हैं, उपनिषद शामिल होते हैं, वेदांग शामिल नहीं होते हैं। तो जो बी है वही आपका सही है, क्योंकि श्रुति साहित्य जो होते हैं उसमें ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद और वेद आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके वेदांग शामिल नहीं होगा। प्रश्न संख्या दो देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्कर्ष काल है, चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल है 2250 से 1750। बी जो है आपका सही है, बी, ठीक है। बहुत सारे विद्वानों ने 2250 से 1750 ही माना है, हालांकि यहाँ पर 2250 लिखा है, यह सही है 2350 से 1750, लेकिन यह सबसे निकटतम उत्तर है, इसलिए यही माना जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या तीन देखिएगा, गुफकराल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो गुफकराल नौपाषाणकालीन स्थल है, जो आपका कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है। तो कहाँ है? सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी का क्षेत्र है गुफकराल, ठीक है। प्रश्न संख्या चार देखिएगा, प्रश्न संख्या चार, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन थी, लोह सभ्यता थी, ताम्रपाषाण सभ्यता थी, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। प्रश्न पांच देखिएगा, कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति का उत्खनन हुआ है, कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या चन्हुदड़ो से? तो चन्हुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी मिली है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या छह देखिएगा, प्रश्न संख्या छह, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशानपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ईशानपुर जो है यह पाषाणकालीन उपकरण यहाँ से मिले हैं, यह आपका कर्नाटक में है। ईशानपुर जो है कर्नाटक में है, ठीक है। प्रश्न संख्या सात देखिएगा, प्रश्न संख्या सात, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो बौद्ध धर्म जो 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म आया था, जैन धर्म आया था, ये जो किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध थी, ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी, ठीक है। प्रश्न संख्या आठ देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक देव को अतिथि के रूप में उद्धृत किया गया है? मतलब किसको अतिथि कहा गया है?
तो अग्नि को अतिथि कहा गया है, अग्नि को ही अतिथि कहा गया है। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त हैं, 200 सूक्त हैं। अग्नि को अतिथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के मध्य जो मध्यस्थ का काम करता है, माध्यम का काम करता है, वह कौन है? अग्नि। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि कर नहीं था? ठीक है, तो देखिए भाग कृषि कर था, या आपका कारा भी था, हालिवाकर भी था, शुल्क जो था कृषि कर नहीं था, कृषि कर शुल्क नहीं था। शुल्क का मतलब क्या था? सीमा शुल्क था, सीमा शुल्क। शुल्क जो था एक चुंगी के रूप में वसूला जाता था व्यापारियों से, ठीक है, तो यहाँ पर कृषि कर नहीं था, शुल्क। प्रश्न 10 देखिएगा, गायत्री मंत्र समर्पित है, तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सविता को, सविता को समर्पित है गायत्री मंत्र डी। तो गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। यह ऋग्वेद के किसी किस मंडल में आया है? तीसरे मंडल में आया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की उल्लेख की गई है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे, विश्वामित्र। देखिए जो प्रश्न के लिए जरूरी है व्याख्या करना वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्न सभाओं में से किसे नरिष्ठ का कहा गया है, जिसका अर्थ एक ऐसा प्रस्ताव जिसे भंग नहीं किया जा सकता है? तो किसे कहा गया है नरिष्ठ? नरिष्ठ कहा गया है सभा को, सभा को नरिष्ठ कहा गया है, ठीक है। और सभा में क्या थे? सभा में कुलीन लोग रहते थे, सभा में क्या रहते थे? कुलीन लोग शामिल होते थे, सभा में वरिष्ठ लोग, वृद्ध लोग आदि शामिल होते थे, ठीक है। और सभा में सभा जो होता था वो वरिष्ठ लोग इसमें शामिल होते थे। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 8 बार किया गया है। समिति का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 9 बार किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 12 देखिएगा, ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को वर्गीकृत किया गया था, तो किसमें वर्गीकृत किया गया था? ब्राह्मण पिता है, वैश्य माँ है, वो उस पुत्र को क्या कहते हैं? अम्बष्ट कहेंगे, अम्बष्ट। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का मृदभांड है जो वैदिक काल से संबंधित है? वैदिक काल से संबंधित मृदभांड कौन था? तो यह था गेरुवाड़ी, गेरुवाड़ी मृदभांड, यह आपका वैदिक काल से संबंधित था। वैदिक काल में भी यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित था, ऋग्वैदिक काल से संबंधित था गेरुवाड़ी मृदभांड। चित्र दूसर मृदभांड जो है वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। प्रश्न 14 देखिएगा, वर्ण संकर का अर्थ क्या है? तो सामाजिक वर्गों का अंतः मिश्रण, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से अपहरण द्वारा विवाह जो होता था उस विवाह को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता था राक्षस विवाह। अपहरण द्वारा जो विवाह होता था उसे राक्षस विवाह कहते हैं, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय सबसे ज्यादा सबसे पहले अभिदूत हुआ? तो कौन से जैसे शैव संप्रदाय कौन थे? पाशुपत, कापालिक, पाशुपत संप्रदाय था, कापालिक था, कालामुख था, लिंगायत था, ये सभी क्या कौन थे? ये सभी शैव संप्रदाय थे। तो सबसे पहले जो शैव संप्रदाय आया था वो कौन था? तो पाशुपत था। पाशुपत संप्रदाय जो था सबसे पहले शैव संप्रदाय आया था वह संप्रदाय था पाशुपत, ठीक है। कालामुख भी शैव संप्रदाय है, कापालिक भी शैव संप्रदाय ही है, लेकिन सबसे पहले पूछ रहा है सबसे पहले तो वह है पाशुपत। पाशुपत जो संप्रदाय था इसके प्रवर्तक कौन थे? नकुलिस थे, नकुलिस, ठीक है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। प्रश्न 17 देखिएगा, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का जो अध्यक्ष था उसे क्या कहते हैं? पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष। तो डी जो ऑप्शन है वो आपका सही है, पौतवाध्यक्ष कहते हैं। प्रश्न 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं था? तो मुक्ति शामिल नहीं था। देखिए जैन धर्म का जो त्रिरत्न त्रिरत्न कहा जाता है वह था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र ये था। तो पूर्ण ज्ञान भी आएगा, ध्यान भी आएगा, कर्म भी आएगा, लेकिन मुक्ति नहीं था, ठीक है। प्रश्न 19 देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखी उद्धरण निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्राचीनतम उल्लेख किस अभिलेख में है? अशोक के बराबर गुहा अभिलेख में, तो दशरथ का नागार्जुन गुफा अभिलेख में, अशोक का जूनागढ़ अभिलेख में, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख? तो प्राचीनतम पूछ रहा है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का उल्लेख है, ठीक है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था, रूपदर्शक क्या था? मौर्य प्रशासन प्रशासन में क्या काम करता था? ये सिक्कों का परीक्षक था, सिक्कों का परीक्षक था, ठीक है, रूपदर्शक। विकल्प सी जो है वह आपका सही है।
प्रश्न 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से ये सिक्कों का परीक्षक का मतलब क्या क्या जानते हैं? करेंसी की जांच करता था भाई, करेंसी की जांच करता था कि कहीं मार्केट में नकली करेंसी तो नहीं आ रही है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? रूप दर्शक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी थी? तो कौन सी ऐसी बौद्ध शाखा थी जो भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रही थी, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उत्तरदायी थी? तो वह शाखा थी महायान, महायान, ठीक है, 22 का सी है महायान। महायान का जो प्रचार हुआ है वह बाहर हुआ है, भारत सीमा के बाहर, ठीक है, चीन में महायान संप्रदाय का ही प्रचार हुआ है, ठीक है, चीन में, तिब्बत में। प्रश्न 23 देखिएगा, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो वह थी पड़ थी, ठीक है, मौर्य काल की मुद्रा थी पड़। प्रश्न 24 देखिएगा, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क स्थित जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था उसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था, अनंत वर्मन ने, ठीक है। 24 का जो बी होगा आपका सही होगा। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर था उसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, ये सूर्य मंदिर की बात हो रही है तो अनंत वर्मन ने कराया था सूर्य मंदिर का निर्माण, ठीक है। और यह गंगवंशी शासक थे अनंत वर्मन, ठीक है। प्रश्न 25 देखिएगा, प्रश्न संख्या 25, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब माना जाता है? तो कुषाण काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, कुषाण काल में ही मूर्ति बनना शुरू हुआ, मतलब मूर्ति निर्माण कला विकसित हुई थी, गांधार कला, मथुरा कला, जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाते थे और वहीं से भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा जाने लगा, तो मूर्ति कला का विशेष विकास जो हुआ था यह आपके कुषाण काल में हुआ था। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तो वह है तुलकप्पियम, तुलकप्पियम वह ग्रंथ है जो तमिल व्याकरण से संबंधित है, तुलकप्पियम, तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है, तुलकप्पियम। निम्नलिखित में से टोचारियन कौन थे? टोचारियन तो कुषाण जो थे वह टोचारियन थे, ठीक है, वह टो की पूजा करते थे, अस्थियों को संभाल कर रखते थे, टो की पूजा करते थे, इसलिए इसे टोचारियन कहा गया है, ठीक है, विकल्प डी। प्रश्न 28 देखिएगा, भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज भारत में कहाँ की गई थी? अरिकामेडू में। तो 28 का जो ए होगा वह आपका सही होगा, अरिकामेडू, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया? चरक को संरक्षण किसने प्रदान किया? तो किसके संरक्षण में था चरक किसके संरक्षण में था? कनिष्क के संरक्षण में चरक था, ठीक है। सुश्रुत किसके संरक्षण में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त सेकंड के, ठीक है। तो यहाँ पर चरक की बात हो रही है, तो चरक किसके संरक्षण में थे? कनिष्क के दरबार में थे चरक, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा था? चरक संहिता लिखा था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का ज्यादा से ज्यादा प्रचलन किसने किया? भीम कन्फ्यूशियस ने किया था, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा, शुंग शासक अग्निमित्र निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति का नायक था? शुंग शासक अग्निमित्र निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति का नायक था? तो देखिए, एक ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, जिसको किसने लिखा था? कालिदास जी ने लिखा था, ठीक है। तो उसका नायक कौन था? अग्निमित्र था, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, ठीक है। प्रश्न 32 देखिएगा, भारत में अशोक का शासन काल है 273 से 232 ईसा पूर्व, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, 273 से 232 ईसा पूर्व भारत में अशोक का शासन काल है। प्रश्न 33 देखिएगा, इंडिका को किसने लिखा था? मेगस्थनी जी ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? सेल्यूकस का राजदूत था, बी।
इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग पूरी पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही अब बुक की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी मैं बाकी बुक की भी टेस्ट सीरीज करा दूंगा, और साथ ही साथ हमारा रामबाण टेस्ट सीरीज तो चलेगा ही चलेगा, हम रामबाण मटेरियल देंगे ही देंगे, ठीक है। जिनको भी हमारा झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का पूरा क्लास आपको ज्वाइन करना है, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 34 देखिएगा, अमरावती कला शैली का विकास कब हुआ था, अमरावती कला शैली का जो विकास हुआ था कब हुआ था, प्रथम शताब्दी से पांचवीं शताब्दी के बीच, प्रथम शताब्दी से पांचवीं शताब्दी के मध्य हुआ था अमरावती कला का विकास। ये आपका ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। 150 से 400 ईस्वी के बीच अमरावती कला शैली का विकास हुआ था, 150 से 400 ईस्वी के मध्य, ठीक है। प्रश्न 35 देखिएगा, पट्टिनम थे, पट्टिनम क्या थे, पट्टिनम जो था क्या था, बंदरगाह था, बंदरगाह शहर था पट्टिनम, विकल्प सी जो है आपका सही है। चतुर्थ बौद्ध सभा निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में आयोजित हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में, डी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने मानसून की खोज की थी, मानसून की खोज किसने की थी, हिप्पैलस ने की थी, बी जो है आपका सही है, हिप्पैलस। मानसून किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है मानसून, यह भी आता परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 38 देखिएगा, कुषाण शासकों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, कुषाण शासकों को क्या कहा जाता था, चीन के यूची शाखा से या कुषाण थे, चीन के यूची शाखा से कुषाण थे, तो विकल्प जो है आपका सही है, चीन के यूची शाखा से कुषाण थे, और कुषाण वंश की स्थापना किसने की, किसने की, कुजुल कदफिसस ने, आगे बताऊंगा। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है, इन चारों में से, इन चारों वर्ग में से कौन सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका बी सही नहीं है, बी कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है, कौन सुमिलित नहीं है, इसे देख लेते हैं एक बार, मिला लेते हैं, देखिए मुर्गन जो होगा यह आपका, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे थोड़ा छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे आपको। प्रश्न 40 देखिएगा, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखे गए धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो कुषाण शासकों के समय में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उनकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। अरे भाई, इसी कुषाण शासक के समय में ही कनिष्क के दरबार में एक विद्वान रहते थे अश्वघोष, अश्वघोष, और इन्होंने क्या लिखा था, सौंदरानंद लिखा था, सौंदरानंद लिखा था जो संस्कृत भाषा में लिखा था, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में ही कुषाण काल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए बौद्ध संबंधित। प्रश्न 41 देखिएगा, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत किसने लिखा था, तमिल भाषा में महाभारत लिखा था पेरिन देवनार ने, पेरिन देवनार ने, और रामायण किसने लिखा था, रामायण किसने लिखा था तमिल भाषा में, कम्बन ने, कम्बन ने रामायण लिखा, और पेरिन देवनार ने क्या लिखा, महाभारत लिखा तमिल में। प्रश्न 42 देखिएगा, इदांगई और वलांगई थे, इदंगाई 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 और वलंगाई कौन थे, तो यह क्या थे, सामाजिक वर्ग थे, इदंगाई और वलंगाई जो थे यह एक सामाजिक वर्ग थे। वलंगाई जातियां जो थी वह कृषक और श्रमिक जातियां थी, ये वलंगाई जो जातियां थी यह क्या थी, कृषक और श्रमिक जातियां, ठीक है। और इदंगाई जो जातियां थी वह क्या थी, हस्तशिल्पकार थी। इसे वलंगाई में वह जातियाँ आ जाएंगी जो किसानी का काम करती हैं, किसान हैं या खेतों में काम करते हैं, वो वलंगाई में आ जाएंगे। और इदंगाई में वह जातियाँ आएंगी जो शिल्पकार हैं, जैसे बढ़ई हैं, लोहार हैं, ठठेर हैं, वो क्या है, इदंगाई में आ जाएंगे। और इसमें क्या है कि इसमें किसान और श्रमिक आदि आते थे, ठीक है, ये तमिल जातियाँ थीं। प्रश्न 43 देखिएगा, गुप्त पूर्व काल में निम्नलिखित में से कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, तो गुप्त काल में ऊनी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो गांधार था, गांधार, ठीक है, ऊनी वस्त्र का उत्पादन गांधार में होता था। रेशमी वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता था, सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता था, तो वाराणसी में, ठीक है, रेशमी का कहाँ होता था, मथुरा में। प्रश्न 44 देखिएगा, यूनानी यात्री हेरोडोट्स भारत आया था, तो यूनानी यात्री जो हेरोडोट्स है वह कब आता है, तो 500 ईसा पूर्व में आया था, 500 ईसा पूर्व में, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 45 देखिएगा, प्रथम गुप्त शासक के बारे में कौन जानकारी देता है, तो पहले गुप्त शासक के बारे में कौन जानकारी देता है, तो पहले देखिए तो गुप्त शासन काल में आया कौन था, फायान आया था ना, तो फायान ही जानकारी देगा, ठीक है।
प्रथम गुप्त शासक के बारे में कौन जानकारी देता है? फायान, ठीक है, फायान आया था। प्रश्न 45 देखिएगा, प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो गुप्तों में पहला शासक जो स्वतंत्र था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी सिक्का निकाला था, ठीक है, अपना स्वतंत्र मुद्रा निकाला था। तो गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो पुत्र था कौन था? कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। प्रश्न 47 देखिएगा, गुप्तोत्तर काल में कारा शासन था, गुप्तोत्तर काल में जो कारा शासन था वह क्या था? कारा शासन क्या था? तो चार ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो कारा शासन जो था यह एक प्रकार का क्या था? भूमि चार्टर था। भूमि चार्टर था मतलब अभिलेख होता था कारा शासन, ठीक है, कि उनको यह भूमि पट्टे पर दे दी गई, ठीक है। अगर कोई राजा कोई या राजा या राजा के अधिकारी किसी प्रकार से कोई भूमि दान पे देते थे तो चार्टर, एक हलफनामा समझिए, ठीक है, एक प्रकार का क्या था? भूमि चार्टर था कारा शासन, ठीक है। प्रश्न 48 देखिएगा, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? प्रसिद्ध बौद्ध लेखक जो हरिभद्र थे वह किसके दरबार में थे? तो धर्मपाल के दरबार में थे। धर्मपाल जो पाल वंश का शासक था, पाल वंश का शासक था धर्मपाल, इनके दरबार में हरिभद्र निवास करते थे। जो एक क्या थे? उनके दरबारी थे, एक कुशल साहित्यकार थे, बौद्ध लेखक थे हरिभद्र। प्रश्न 49 देखिएगा, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ था, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो यह हुआ था मौर्य काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का हुआ था कहाँ? मौर्य काल में। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिकल्पना की गई थी गुप्त काल में ही की गई थी, गुप्त काल में की गई थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो मेहरौली जो अभिलेख है वह लौह स्तंभ पे ही तो है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ऐसे ही देखते रहिए। मैं पूरी पूरी बुक आपका कंप्लीट करा दूंगा और टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। हालांकि जो सुपर टेस्ट सीरीज है वह भी जल्द शुरू होने वाली है झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए, और उस टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे, बहुत सारी क्लासें भी देंगे। जिनको भी झारखंड पीजीटी की हिस्ट्री की पूरी तैयारी करनी है, कोर्स ज्वाइन करना है, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा होगा, आप मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपये का कोर्स है झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए, ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।